तो गाइस डेडपूल एंड वुल्वरीन का ऑफिशियल ट्रेलर आज रिलीज हुआ है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं देखो एडिटिंग भी मैं करता हूँ, कलर ग्रेडिंग भी मैं करता हूँ, बोल के मेरे को टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने पे। बट मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आया इस ट्रेलर में, एक इस्टर एक दिया छोटा सा, जो कि मैं आपको बता दूँ। वुल्वरीन एक्चुअली में एक कैनेडियन कैरेक्टर है, जो कि आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप मार्वल फैन नहीं हो सकते। तो इस ट्रेलर पे बहुत अच्छी चीज़ की गई, एक स्टार एक दिया गया, कैनेडा का फ्लैग देखने को मिला है बारटेंडर के सामने। और मेरे को एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो बारटेंडर इतना कुछ कैसे जानता था। मतलब बेसिकली वो लोगन को कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसको मालूम है कि लोगन के वजह से एक दुनिया इंकर्जन के या किसी तरीके से तबाह हुई है। और अगर ऐसा है तो उस बंदे को कैसे मालूम है कि लोगन एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन से है। तो एक्समैन फर्स्ट क्लास की तरह ही इस मूवी में भी लोगन को रिक्रूट करने की कोशिश की जाएगी। उसमें मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर ने किया था, यहाँ पर अपना डेडपूल करने वाला है, कोशिश करने वाला है। और उसका तरीका तो हम जानते हैं कितना पनी और बेहुद्दा होता है, जिसके वजह से जिसका जवाब भी लोगन ने वही लगभग सिमिलर ही दिया कि तुम गांड मराओ, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ से थोड़ा चीज़ें चेंज हुई, मुझे बहुत अजीब लगा ये कहकर, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बार में फाइट नहीं की। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बारटेंडर नहीं चाहता कि वुल्वरीन वहाँ पर हो, क्योंकि वुल्वरीन जहाँ जाता है झोल करता है तो बार की टोड़ा टोड़ी होगी, इसलिए वो शायद वहाँ पर बारटेंडर बोलेगा तुमको जो करना है बाहर जाके करो, यहाँ मत करना, जो कि एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में भी किया गया था। बट दिस टाइम लोगन विल लिसन टू हिम और सूट वूट पहन के डेडपूल के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की वहाँ बाहर चले जाएंगे, जो कि हमने सीन भी देखा है इनका फाइट होते हुए। इसी ट्रेलर पर एक शॉट देखने को मिला है, जो कि अपने मिस्टर पैराडॉक्स ने कहा कि इस वुल्वरीन ने अपने दुनिया को तबाह होने दे दिया, तो वही आइकॉनिक लाइन जो कि हम हर किसी को कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। Go fuck yourself. मनी शॉट। By the way, इसमें एक ईस्टर एग है। देखो कॉमिक्स में डेडपूल के पास गोल्डन गन्स होते थे, कितना गंदा लग गया बोले थे, गोल्डन कलर के गन्स होते थे, जो कि इसमें दिखाया गया है ट्रेलर के शॉट में। और ये भाई ये मनी शॉट है, इसमें हमने वुल्वरीन को देखा है बिना किसी स्लीप के, जो कि हम पहला बार से जब वुल्वरीन का कॉस्ट्यूम देखे थे तब से वो डिमांड कर रहे थे, और शायद इन्होंने सुन लिया, अजीब है मगर इन्होंने सुन लिया। तो इसमें एक शॉट है जो कि दिखाता है कि अपना जायंट मैन, मतलब स्कॉटलैंड का बड़ा वाला वर्जन, उसको मार दिया गया है, जो कि उसके मुंह से निकलते हुए आई, स्कल से निकलते हुए आई अपनी कैसांड्रा नोवा। तो ये दर्शाता है कि कैसांड्रा नोवा किस तरह से फक्ड अप है, और यहाँ पर इस यूनिवर्स पर स्कॉटलैंड मारा गया, पता नहीं बेचारे को क्यों मारा मगर मारा गया, जिसकी वजह से हमने अलायट को देखा कि उसको खाते हुए। तो बेसिकली कैसांड्रा नोवा अलायट को वेपनाइज करी है, मतलब यहाँ पर थोड़ा कैंग वाला मामला नहीं है, जो कि थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि अभी जोनाथन मेजर्स को निकाला गया है, फायर किया गया है, तो अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते कैंग को, अभी थोड़ा कैंग को नहीं देख सकते अभी फिलहाल, जब तक कि रिकास्ट ना हो जाए। तो ये रीजनेबल है, जस्टिफाइड है कि यहाँ पर कैसांड्रा नोवा अलायट को वेपनाइज की है कैंग के जगह, तो यहाँ पर मतलब नेक्स्ट लेवल का फाइट होगा, जो कि मतलब अलायट जो है रियलिटी खा जाता है, एग्जिस्टेंस से ही तबाह कर देता है। तो और वो कैसांड्रा नोवा जैसे एक साइको के हाथों लग गया तो क्या होगा, इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा। इस शॉट में हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जो कि पुराने एक्समैन मूवीज से भी है, जो कि मैं आपको जितना आइडेंटिफाई कर पाया वो मैं बताता हूँ। ये पहला बंदा अजाज़ील है, अगर मैं उसका नाम सही से ले पा रहा हूँ। तो ये बंदी जो है ये है अपनी लेडी डेथस्ट्राइक, जिसका लोगन के साथ फाइट हुआ था, टेलिस्टियो। और ये बंदा है टोड, और ये बंदा प्रोबेबली पायो है, क्योंकि हमने पायो का एक सीन देखा है जिसमें उसके बाल और मतलब अपीयरेंस सिमिलर लगे हैं, और मैं किसी को डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो
अगर आपको मालूम कोई कुछ और देखने को मिला है तो मुझे जरूर बताना। फिर हमने डॉगपूल को देखा है, मगर हम इतना जानते हैं कि डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और होपफुली वुल्वरीन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। सैबरटूथ देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे कैरेक्टर रिटर्न करने वाले हैं तो वो भी देखने को मिलेंगे, बट इस ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ डॉगपूल को दिखाया गया। और कैसांड्रा नोवा वुल्वरीन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई गई है टेलीकाइनेसिस से, जो कि हमने सिमिलर देखा था मैग्नीटो ने जब वुल्वरीन के साथ ऐसा किया था, तो यहाँ पर भी वुल्वरीन के थोड़े लोड़े लगने वाले हैं। फिर टीवीए वाले देखने को मिले हैं जिनसे फाइट कर रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन, मतलब यहाँ पर दोनों का टीम अप देखने को मिला है जो कि होगा ही, हम सब जानते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हम जानते थे कि वुल्वरीन मान जाएगा डेडपूल की बात और ये दोनों मिल के जाएंगे, तो इनका सेम डायलॉग हमको इस सीन में देखने को मिला है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इंप्रेसिंग लगा। फिर ट्रेलर एंड होते होते हमको लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल देखने को मिला है, जो कि पीछे से देखने से ब्लैक दिखता है, मगर जब सामने से शॉट आता है डेडपूल वुल्वरीन जब जम मारते हैं तो वो वाइट हो जाता है। अब इसका कनेक्शन क्या है मैं ये बहुत सोचा मगर मैं पता नहीं लगा पाया, बट जितना मुझे लगता है ये सीन वो तब होगा जब डेडपूल और वुल्वरीन मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में जम आएंगे, मतलब 616 यूनिवर्स में, मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ और भी हो सकता है, मगर मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही लगा कि 616 यूनिवर्स में ये डेडपूल और वुल्वरीन का एंट्री होने वाला है और फिर सीक्रेट वॉर्स में किसी तरीके से सारे यूनिवर्सेस जो है मर्ज हो जाएंगे और इसी तरह हमको बहुत सारे कैरेक्टर्स जो अलग अलग यूनिवर्स में है वो फाइनली एक यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। दिस इज टू मच, और एक मार्वल फैन इतना ही मांग रहा है, ये बहुत ज़्यादा मांग है, बट सीक्रेट वॉर्स जैसा इवेंट है उसके हिसाब से ये भी पॉसिबिलिटी तो है कि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर मैंने बहुत एक चीज़ नोटिस की है कि जब वुल्वरीन और डेडपूल उस यूनिवर्स में जम मारे थे डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल से, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज इनको एड कर रहा है अलायट्स से फाइट करने के लिए, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि अलायट सामने आ रहा है सब कुछ खाते हुए, तो एग्जिस्टेंस हटाते हुए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक रोल होने वाला है, जो कि प्रोबेबली वही होगा जो कि इंकर्जन को रोकने की कोशिश कर रहा है केरा के साथ, तो यहाँ पर ये सीन देखने को मिला है। तो देखो ये ट्रेलर के बारे में मैं इतना ही बात करूँगा, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये ट्रेलर बहुत पसंद आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा सोचा, मगर फिर मैं बोला कि रिएक्शन वीडियो भी एडिट करना, फिर एक अलग से वीडियो एडिट करना मेरे को थोड़ा वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी। और अगर आपने कुछ और नोटिस किया तो मुझे जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा किसी और दिन, अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ, चलो बाय बाय, डेडपूल और वुल्वरीन मजेदार होने वाले हैं।